तो कैसे पूरे करेंगे जो आपने वादे किए थे इलेक्शन कम्पेन के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें कामयाबी दी, अल्लाह ताला ने। बाकी जो ये मेरा हल्का 263 ये रूरल एरिया है, इसमें कोई इतने काम नहीं हुए। इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान की क्यादत में पूरी कोशिश करेंगे कि ये 263 के जो मसले हैं वो हल करूं। इसमें जो तरजीह है मेरी इंशाल्लाह ताला वो है साफ पानी। सबसे पहले कि पूरे हल्के में इंशाल्लाह ताला साफ पानी का जो सिस्टम है वो करेंगे, अस्पताल का जो है सिस्टम वो इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ें हैं जो अगर हम कर जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी पार्टी भी मजबूत होगी, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सुधार रहेगी। जैसे साफ पानी की आपने बात की, पीने के पानी की कमी तो है ही है रहीम यार खान में, क्योंकि पिछले 5 साल दौर में हम देख रहे हैं कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं लगा रहीम यार खान में साफ पानी का, मगर किसानों का हिस्सा भी है क्योंकि आपका एरिया दही इलाके पर मुश्तमल है और किसानों को भी पानी की मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके लिए जब यहाँ जलसा हमारा लीडर इमरान खान आए थे तो हमने सबसे पहले उन्हें ये डैम का बताया था, इंशाल्लाह ताला हम डैम शुरू करेंगे। क्योंकि पिछली जितनी 25-30 साल से हुकूमतें आई हैं, किसी ने बातें तो की हैं लेकिन डैम नहीं शुरू किया। तो मैं समझा जरी मुल्क हमारा सबसे पहले बनना ही डैम चाहिए हमारे मुल्क में। डैम बनेगा तो इंशाल्लाह ताला हमारा जरी मुल्क है तो मुल्क हमारा तरक्की करेगा। बिल्कुल, आवाम यहाँ पर खुश है क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो वोट डाला था उनके नतीजे में उनके उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद शफीक कामयाब हैं हुए हैं। यहाँ पर मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, मिठाइयाँ हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं और ये खुशी का इजहार अभी तक जारी है।